मधुबन मर्डर केस में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पिंटो परिवार को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि वे रिपोर्ट के बाद ही पिंटो परिवार के तीनों सदस्यों की जमानत पर फैसला लेंगे। कोर्ट की सुनवाई में सीबीआई ने सीलबंद रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंप दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने पिंटो परिवार को जमानत दे दी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन दे को अलाउ किया है और पिंटो परिवार को जमानत एंटीसिपेटरी जमानत दी है। हम इस ऑर्डर की कॉपी आने के बाद इस पर विवेचना करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस अनुसार से हम इसकी अपील फाइल करेंगे। बेल देते समय हाईकोर्ट ने कई शर्तें रखी हैं, जैसे वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे बगैर कोर्ट की अनुमति के, और किसी भी तरह की जो कोई अपनी तरफ से इम्पीडिमेंट है वो क्रिएट नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, और जब भी ज़रूरत होगी वो खुद को हाजिर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। सुखपाल खेरा नशा तस्करी मामले पर पंजाब में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। इसी के चलते सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा सुखपाल सिंह खेरा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी बीच अमृतसर में पोस्टर बोर्ड के रास्ते सुखपाल खेरा का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन ये पोस्टर किसने लगवाए हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। मामले पर टिप्पणी करते हुए आम आदमी पार्टी से अमृतसर के जिला प्रधान सुरेश शर्मा का कहना है कि ये हरकत शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की है। ये जो बोर्ड लगाए गए ने ये आम आदमी पार्टी का वाध्य प्रभाव तो ये पार्टियां दोनों रली हुई ने, कांग्रेस ते अकाली वाले बिल्कुल रल के एक योजनाबद्ध ढंग ना भी आम आदमी पार्टी का जरा हुण प्रभाव मार रहा है लोगों के, कांग्रेस का ग्राफ डिग रहा, अकाली ये पहला ही लोगों ने नकार दिते, ये दोवें रल के भी इस जगह पूर्ण करने वास्ते आम आदमी पार्टी जी अगे वध रही है, ये उन्होंने प्रभाव में कम घट करने वास्ते ये लोग होशियार करता जा गया। पंजाब की जनता बड़ी सियानी है, जोशीले लोग ने, अणखाले लोग ने पंजाब के, उन्होंने सब पता है पंजाब चिट्टे का व्यापारी कौन सी, और बच्चे बच्चे पता है, हर घर में पता है इन्हों का जो असर होना है वह परमात्मा उत्ते वेख रहा है। जिन्निया कुछ ही हरकत करेंगे जनता उन्नी ही दूने गुस्से नाल इन्हां नूं वोटां दे विच जवाब देगी। जनता को इक्को हथियार आ वोट, और वो वोटां आने वाली ने इन्हां नूं पता लग जाएगा। ये दोवें रल मिल के इस पार्टी नूं जां सुखपाल खहरा जी नूं बदनाम करना चाहुंदे ने। जे सुखपाल खहरा जी एक पैसे का भी नुक हुंदा ते की बादल सरकार की जदों सुखे की सरकार ही उदों नहीं दिसे, अकालियां विच दोषी नहीं हैगे। बीबी जगीर कौर अपनी कुड़ी मार के सज़ा हुई आ, उत्ते ट्रायल नहीं हैगा। सुखबीर बादल से पत्रकारों के नाल दुर्व्यवहार करता केस चल रहा, उत्ते नहीं चल रहा। सिर्फ तो सिर्फ सुखपाल खहरा के टारगेट कर रहे ता कि वह सच बोल रहा, इन्हों के घोटाले बाहर कढ़ रहा, इस करके ये दुआले हुए ने। सच्चाई नहीं सुप छकती, सच्चाई नू कदी भी आँच नहीं आएगी। हाँ, इम्तिहान जरूर होएगा, और सुखपाल खहरा जी बाइज्जत बरी होकर आएंगे, ये परमात्मा ने बहुत कृपा रहेगी। नया पिल्सबरी कुकी केक, इसमें है चोको चिप्स और चोको ड्रिजल और चोको केक, अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। ड्रग मामले में फंसे नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खेरा के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार अकाली भाजपा द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मामले में एक और जहां अकाली भाजपा राज्यपाल से मुलाकात करने की बात कह रही है, तो वहीं सुखपाल खेरा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भले ही विरोधी राष्ट्रपति के पास भी चले जाएं, लेकिन वे इस्तीफा नहीं देंगे। मैं सीबीआई की जांच लिए तैयार हूं। कोई देश में पहला पॉलिटिकल लीडर होगा, कोई आदमी जे किसी ने गुनाह किया, कोई आदमी सीबीआई की जांच खुद जाके नहीं मंगता। इतों साबित हो जाता कि मेरे खिलाफ सारे इल्जाम ने बेबुनियाद, झूठे, मन घड़त, सियासत तो प्रेरित राणे गुरजीत वर्गियां दी ठगी ठोरी ते इन्हां दी साजिश दे तहत होए ने। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव व प्रवक्ता मनदीप सिंह मन्ना ने ईमानदारी की दबंगगिरी का कथित झंडा बुलंद करने वाले स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मन्ना का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान चलाने वाले सिद्धू इसकी शुरुआत अपने घर से ही करें। मन्ना ने दावा किया कि वे जल्द ही सबूतों और दस्तावेजों की फाइलों के साथ सिद्धू और उसकी पत्नी की ईमानदारी के सारे नकाब उतार कर सिद्धू के महल के सच को दुनिया के सामने नंगा करेंगे। ये जड़ी आज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिद्धू फैमिली के खिलाफ है जी,
सिद्धू साहब अज तो मेरे ख्याल 15 दिन पहले वल्ले गए थे उत्थे 2 करोड़ रुपये की ग्रांट अनाउंस करके आए हैं और सारे सामने प्रेस की हाजरी से उन्होंने ये गल कही कि 2 करोड़ चो 30-40 लाख रुपया ही लगता रहा बाकी सारे लीडर और जो अफसर ने वो खा जाते रहे हैं। वो मैं इन्होंने दसना चाहना कि तुहाडे जिहड़े मैसेज मानयोग साडे रहे हैं संसदी सकत्तर वो भी तो यो काम करते रहे हैं कि अपनी जिहड़ी ईमानदारी है अखौती तुसी ईमानदार हो तथा कथित तुसी ईमानदार हो सो कॉल्ड ईमानदार हो कि अपनी जे तुसी ईमानदारी विखाउंदे हो तो अपनी वाइफ की इस घपले की जाँच करोगे और उहदे विच कीता की गया कि मड़िया नूं शमशान घाट नूं 27,84,000 रुपये की ग्रांट अनाउंस की गई और ग्रांट के बिल पास हो गए पैसे कैश हो गए उन्हूं कंपलीशन दे दी गई और पैसा उत्थे लगा ही कोई नहीं। इहो जिहे काम जिहड़े उह इक घपला नहीं हैगा बहुत ज़्यादा घपले ने और मैं इस तुहाडे वीडियो प्रेस दे राहीं माध्यम दे राहीं नवजोत सिंह सिद्धू नूं इह वी कहना चाहुंदा कि मेरे नाल गल करनी आ ते तत्थां दे आधार ते करी ये कोई बिक्रम मजीठिया नहीं अगले पास हैगा भी एक गाल कढ़ेगा तो मूँह चो थुक सुट्टन लग पूंगा एक दियाँ 6 आउणगियां तैनू गल करनी है तो पेपर के आधार से तत्थां के आधार से कर और तेरी तुलना तू बड़े नाँ दिना ना राहुल गांधी पप्पू है सोनिया मुन्नी है तेन मैं नाँ दिना तू राजदूत मोटरसाइकिल है पुराने दोधियां कोल हुंदे सीगे रौला बहुत ज़्यादा तो कम है ही कख नहीं स्पीड हुंदी नहीं सी किसे कम की कभी मैं समैक च फड़ लेना कभी मैं आह कर लेना ये जिहड़े कम करके विखा पंजाब की जनता नूं और ये जे एड्डी तेरी ईमानदारी इहदी जांच कर और इहदे नाल अगला घपला कि तेरी वाइफ मिनिस्टर रही और वो पीए सड़कों के ठेके लेंदे रहे उन्होंने फर्जी लिस्टमेंट की गई तुम्हें ट्रस्ट च एक दलाल रख्या हो जिद नाँ से फर्जी कोऑपरेटिव सोसायटियां चल दिया ने और किन्ना किन्ना घपला किया मैं आने वाले दिनों ये भी कढ़ के दसूँ। हर सोने आंगन में गूंजेगी खुशियों की किलकारी हर घर में खिलेगी उम्मीदों की किरण ये भरोसा है प्रख्यात डॉक्टर आशीष कपूर का जिन्होंने जालंधर स्थित एसटी हॉस्पिटल के जरिए अनेक निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख दिया है। यहाँ इनफर्टिलिटी और यौन संबंधी बीमारियों की विस्तृत रूप से जांच की जाती है। निराशा को दूर कर खुशियों को दें एक और अवसर। एसटी हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक जालंधर पंजाब इंडिया 144002। हमारा फोन नंबर है 09915402525 01815042525। चंडीगढ़ में एक स्कूल प्रिंसिपल ने राजपुरा के विधायक हरदयाल सिंह कंबोज पर उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। प्रिंसिपल द्वारा इसकी पंजाब महिला आयोग को लिखित शिकायत भी दी गई है। चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल में काफी गड़बड़ियां चल रही हैं, जिसे उन्होंने लगातार उजागर किया है तो विधायक ने खुद और उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकी देनी शुरू कर दी। चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल में काफी गड़बड़ियां चल रही हैं, जिसे उन्होंने उजागर किया तो विधायक ने खुद और उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकी देनी शुरू कर दी। मैं दोष लगा रही हूं मेरे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर महेंद्र सहगल ते एमएलए हरदयाल कंबोज ते। मामला यही है कि वो मैंने जो कुछ कहने मैं नहीं करना चाहती, जिस करके उन्होंने मेरे ते एलिगेशन लगाते हैं फालतू दे जो कि बिल्कुल सही नहीं और मैं हर एक एलिगेशन प्रूव कर सकती जो उन्होंने मैंने कहा कि यह सारा फेक हैगा और मेरे ना मेरे नाल कोई लेना देना नहीं है। मैं इंसाफ ले मैं लोकल किसी अथॉरिटी को नहीं गई ना SDM को ना DC को ना SSP को बिकॉज वो सारे उन्होंने अपने बंदे बैठाए हुए हैं उत्ते और मैं इस करके इतने कल चंडीगढ़ आके 17 सेक्टर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पंजाब स्टेट में अपनी कंप्लेंट दायर की है। मानसिक टॉर्चर भी फिजिकल भी सर फिजिकल टॉर्चर एंड मेंटल हरासमेंट एवरी नाउ एंड देन। सर एक काफ़ी है कि मैनू उन्होंने जड़ी लेटर्स इशू करनिया शुरू करती हैं अपने बंदे एडजस्ट करने लिए काफ़ी है मेरे लिए मेंटल टॉर्चर करने लिए मैनू जबकि मेरे कोई भी इतने एलिगेशन जिन्हें भी लगाए इन्होंने जो भी है बिल्कुल झूठ है और मैं एक एक चीज़ प्रूव कर सकती हूँ। और दूसरी गल फिजिकल दी मैनू जानबूझ के कहा जाता है कि मैनू रुक के तुसी मिल के जायो तुसी मेरी आ गल सुनो तुसी सानू खुश रखो तुसी दे वांट मी टू गो इनटू समथिंग रॉन्ग व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। अब आपकी सेक्स समस्या हो जाएगी छूमंतर। अगर आपको बचपन की गलतियों के कारण साथी के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, शुगर शराब और बढ़ती उम्र के कारण कमजोरी है, अगर आपके जीवन साथी की संतुष्टि ना हुई तो आपका दिन रात की कमाई का क्या फायदा, तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए आगे हैं विश्व विख्यात सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर SD शर्मा। डॉक्टर शर्मा एक ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो सेक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने की
पूरी गारंटी देते हैं। जालंधर बस स्टैंड के सामने पंजाब रोडवेज डिपो नंबर 1 के पास शर्मा कॉम्प्लेक्स, जहां सिर्फ बेहतरीन कीमती देसी नुस्खों से देसी दवाइयां तैयार की जाती हैं। तो अभी कॉल करें। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम और उसकी लाडली हनीप्रीत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 25 अगस्त को पंचकुला में हुई हिंसा की साजिश का मुख्य आरोपी पवन इंसान को पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सीजेएम कोर्ट ने आरोपी पवन इंसान को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।